आपने कभी आज तक ये कंट्री टूरिस्ट नाम पर सुना है कुछ? इस पे टूरिस्टिक लोकेशन है, यहाँ टूरिस्ट के नाम पर कुछ भी नहीं। ब्रेड है यहाँ 30 रुपए की, भाई 30 रुपए की ब्रेड आपको कहीं नहीं मिलेगी, पूरे यूरोप में नहीं मिलेगी। भाई कल ना मैं तेल की बोतल लेकर गया था, 1 लीटर तेल पड़ेगा 135 रुपए का। अगर सबसे ज्यादा आपको बांग्लादेशी इंडियंस वर्क परमिट पे और पाकिस्तानी अगर दिखेंगे तो वो इस कंट्री में दिखेंगे। ये लेफ्ट में ना नदी है सारी, इसका हाल देखो, नदी का क्या हुआ, जमी पड़ी है पूरी। अगर कोई यहाँ सबसे ज्यादा सैलरी कमाता है वो है यहाँ के टैक्सी ड्राइवर्स। रीगा बस स्टेशन पे पहुंच चुका हूँ। ये लेफ्ट में ना नदी है सारी, इसका हाल देखो, नदी का क्या हुआ, जमी पड़ी है पूरी। ये दिक्कत वाली बात है कि मैं लेट हो चुका हूँ, 12:50 हो चुके हैं और 1 बजे तो मेरी बस निकलेगी। तो शायद यहीं किसी प्लेटफॉर्म से मेरी बस निकलेगी और मुझे कहीं भी फ्लिक्स बस दिखाई नहीं दे रही अभी। तो भाई मैं पता कर आया हूँ, कहते कि प्लेटफॉर्म नंबर 2 से जाएगी, यहाँ प्लेटफॉर्म नंबर लिखे हुए हैं सारे, उसके ऊपर स्क्रीन्स लगी हुई हैं। अभी का जो टेम्परेचर है ना वो है -9°C। आज ना मैंने अपने हॉस्टल में पूछा, हॉस्टल ओनर से मैंने कहा इसका क्या मौसम हमेशा ऐसे ही रहता है क्या? कहती नहीं नहीं गर्मियाँ भी बहुत पड़ती हैं हमारे देश में, समर में बहुत गर्मियाँ होती हैं। मैंने कहा अच्छा कितनी? कहती हमारे जो समर सीज़न है उसमें टेम्परेचर चला जाता है 20 डिग्री तक, बड़ी गर्मी लगती है। मैं क्या ये 20 डिग्री गर्मी है क्या? तो 40-45 डिग्री क्या होगा? N1301 यही सारा बस स्टेशन है, हाल देख लो यार। ये देखो यार ये नदी का क्या हाल बन चुका है भाई। अब मैंने मदद किन से ली थी? ऐसी छोटी छोटी शॉप से। इनको यहाँ कहा जाता है नरवेसन। ये वही शॉप्स हैं जहाँ से आप बस टिकट्स ले सकते हो, वहाँ से अपना पान बीड़ी ले सकते हो, छोटी मोटी चीज़ें होती है ना। लेटविया से लिथुएनिया जाने का जो बस का खर्चा है वो है $16, सिर्फ $16 की टिकट है। दिन में कई बसें चलती हैं, $16 ही रहती है टिकट, इसकी कम ज़्यादा नहीं होती, चाहे आज लो चाहे कल लो चाहे परसों। तो 4.5 घंटे का रास्ता है यहाँ से, 1 बजे बस चलेगी और 5 बजे लिथुएनिया मुझे ये पहुँचा देगी। और हाँ मैं हर वीडियो में आपको बार बार कहता हूँ, इस वीडियो में दोबारा कह रहा हूँ कि फ्लिक्स बस ने हर टिकट पे एक सर्विस चार्ज लगाना शुरू कर दिया बुकिंग के वक्त, ठीक है? तो आपकी जितनी भी टिकट होगी उस पर मतलब 4 यूरो एक्स्ट्रा लगेंगे आपको टिकट के ऊपर एज ए सर्विस चार्ज। अब उस सर्विस चार्ज को बचाने का तरीका पता क्या है? टिकट्स को, फ्लिक्स बस की टिकट्स को कभी भी मोबाइल से बुक मत करवाना, लैपटॉप से बुक करवाना, कंप्यूटर से बुक करवाना। अगर कंप्यूटर लैपटॉप से बुक कराओगे तो आपको 3.5 जो 4 यूरो हैं वो नहीं लगेंगे। पासपोर्ट दिखा दिया यहाँ, इनको टिकट दिखा दी, सामान अंदर रख लिया और यहीं ये वॉशरूम बना हुआ है। तो जी बस रुकी है रास्ते में 10 मिनट की ब्रेक के लिए, लिथुएनिया में पहुंच चुके हैं हम। रास्ते में ज़बरदस्त चेकिंग फिर हुई है हमारी बस में, जब बॉर्डर क्रॉस कर रहे थे हम लेटविया से लिथुएनिया का, तो रास्ते में कस्टम्स इमिग्रेशन सिक्योरिटी ऑफिसर्स बंदे चढ़े थे और उन्होंने सबसे पूछताछ की, मेरा पासपोर्ट वीज़ा चेक किया। तो ये जो कंट्रीज़ है ना ये तो मान के चलो, एक तो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ और ये बाल्टिक कंट्रीज़ बड़े हाई एंड कंट्री हैं, इनमें चेकिंग होती है। नहीं तो जब उधर की तरफ आप घूम रहे होते हैं ना, फ्रांस में, एम्स्टर्डम, जर्मनी में भी होती है, फ्रांस और एम्स्टर्डम बेल्जियम में तो कोई चेकिंग नहीं हुई थी, वहाँ तो सीधी सीधी बस हमारी गई थी। तो भाई मेरे पीछे ना अब 2 बसेस खड़ी देख रहे हो, दोनों का नंबर सेम है, दोनों सेम जगह से चढ़ी हैं और दोनों सेम जगह पर जाके रुकेंगी। सिर्फ फ़र्क इतना है, एक बस है ये जाएगी बस स्टेशन पे लिथुएनिया में विलिनस के, और दूसरी बस रुकेगी उसी शहर में एक दूसरे सिटी सेंटर के पॉइंट पे। विलनस बस स्टेशन लिथुएनिया में पहुंच चुका हूँ, लिथुएनिया। हॉस्टल मेरा यहाँ से है 25 मिनट की दूरी पर,
तो मैं पैदल ही जा रहा हूँ। शाम के 5:30 हुए हैं। दिक्कत ये है कि इन देशों में ना बाल्टिक कंट्रीज में 3 बजे सूरज ढल जाता है, तो 3 बजे रात हो जाती है भाई। जो यहाँ का वेदर है ना वो बिल्कुल वैसा ही है, -9 डिग्री है इस वक्त। और मुझे यहाँ आके ना जो पहली फीलिंग आ रही है ना यहाँ की, वो लग रहा है कि जैसे शिमला नहीं होता, वो इनके जो पार्क है ना वो भी बर्फ़ के बने हुए हैं, तो बर्फ़ के ऊपर ही बच्चे खेलते हैं सब कुछ। अब भाई मुझे मेरा हौसला नहीं मिल रहा है यार, लोकेशन यहाँ ख़त्म हो रही है और इस बिल्डिंग में लोकेशन ख़त्म हो रही है भाई। कोई पता ही नहीं लग रहा अंदर जाने का रास्ता क्या है, कहाँ से है। मैं पिछले 5-10 मिनट से यहीं घूम रहा हूँ, सिर्फ इसलिए वीडियो बना रहा हूँ कि कभी कभी ये सिचुएशंस भी आ जाती हैं। तो भाई स्वागत है आपका 3 दिन बाद। आज मैं हॉस्टल से निकला हूँ, 3 दिन बाद हॉस्टल मिल गया था मेरा। ये हॉस्टल है, कंस्ट्रक्शन चल रही है इसलिए पूरा यहाँ बंद किया हुआ है रास्ता। तो एक्चुअली यहीं से ये बीच में से एंट्री लगा रखी है, एक्चुअल एंट्री है ये इस बिल्डिंग की लेफ्ट से। उस दिन मैं यहीं खड़ा होकर भटक रहा था यार, सबसे पूछ रहा था कि क्या करना है। इस बिल्डिंग में से कुछ लोकल्स निकले थे, उन्होंने बता दिया था कि यही बिल्डिंग है। अच्छा, फिर यहाँ पुलिस वाले खड़े हुए थे कुछ इस जगह पे, तो मैंने पुलिस वालों से पूछा, उन्होंने भी काफ़ी देखा यहाँ, तो कहते भाई हॉस्टल तो कोई नहीं दिख रहा यार। अब मैं आपको सीधा टू द पॉइंट बताता हूँ क्या चीज़ है। ये जो लिथुएनिया कंट्री है ना, अब साथ में लेटविया को भी जोड़ दो, दोनों सेम है एक तरह के, दोनों डुप्लीकेट कॉपी है। जो ये लिथुएनिया कंट्री है और साथ में लेटविया, ये यूरोप के सबसे गरीब देशों में से माने जाते हैं। अब गरीब का मतलब ये नहीं है कि मतलब ये बिल्कुल ही मतलब इनका हाल अफ्रीका जैसा है। गरीब का इन द सेंस ये है कि जो यूरोप के बाकी देश हैं ना, जैसे फ्रांस, जर्मनी, स्विट्ज़रलैंड और स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ हो गए, उनके मुकाबले में यहाँ लोगों की हालत बहुत ख़राब है। जो एवरेज सैलरी है यहाँ लोगों की, लोग कितना कमाते हैं, लोग कमाते हैं 700 यूरो, सिर्फ 60-65 हज़ार रुपये पर महीना। कि इन देशों में पहली तो एक तो सैलरी कम है, दूसरा ऊपर से टैक्स आपको देना पड़ता है 40%। अगर कोई 1000 या 1200 यूरो कमा रहा है तो उसका डायरेक्टली 40% कट जाएगा, सिर्फ 800 यूरो उसको जो अपनी जेब में मिलेगा। अब भाई यहाँ लोग बता रहे थे कि अगर 700-800 यूरो हम कमाते हैं ना, अगर मैं बाई चांस यहाँ से सुपरमार्केट जाता हूँ तो सुपरमार्केट एट अ टाइम जाने का ही खर्चा कम से कम 50 यूरो का हो जाता है, वो भी अगर एक हफ्ते का सामान लाओगे। मैंने कहा प्रेस कर देता हूँ, अब लाइट हो जाएगी ग्रीन। अब रहने का जो यहाँ आपको किराया है, तो एक रूम आपको मिल जाएगा 200-250 यूरो में आराम से, ठीक है। तो खाने पीने का, ट्रांसपोर्टेशन का, महीने का हो जाएगा 400 यूरो के आसपास मान लो, ठीक है। मतलब बचा गया लोगों का कुछ भी नहीं, इसलिए यहाँ लोगों की हालत बहुत ख़राब है। जो मतलब वहाँ एक सुपरमार्केट है, अब मैं सुपरमार्केट लेके चलता हूँ अभी। तो भाई ये हाल देखो यहाँ का वैसे क्या बना हुआ, ये बीच में ना एक छोटी सी लेक है, नदी है, जो भी मर्जी कह लो, इसमें कुछ काले काले रंग के, सफ़ेद रंग के धब्बे निकल रहे होंगे। वो धब्बे पता क्या है, वो एक्चुअली बर्फ़ है। ये पूरी बर्फ़ से जमी हुई थी नदी, अब थोड़ी थोड़ी पिघलनी शुरू हुई है, बीच में कुछ बर्फ़ के टुकड़े रह गए हैं, वो साथ साथ चल रहे हैं हवा के साथ। ये सामने जो वाइट देख रहे हो ना, ये जैसे हमारे हरिद्वार में हर की पौड़ी है ना, तो वैसी सीढ़ियाँ बनी होती, बिल्कुल ये सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, लेकिन इतनी बर्फ़ से ढकी हुई है तो ऐसे लग रहा है वाइट चादर है बस। ये -9 डिग्री है इस वक्त। अगर सबसे ज़्यादा आपको बांग्लादेशी इंडियंस वर्क परमिट पे, ये मैं वर्क परमिट की बात कर रहा हूँ, और पाकिस्तानी अगर दिखेंगे तो वो इस कंट्री में दिखेंगे। अब जो वर्क परमिट पे जो जॉब है वही लेबर क्लास की जॉब है यहाँ। भाई मैंने तो सुना है कि शुरू में तो सैलरीज यहाँ 400-500 यूरो भी मिलती है, सिर्फ 300-400 यूरो। तो शायद ये कंट्री तब ईजीली सबको वर्क परमिट भी दे देता है। अगर कोई यहाँ सबसे ज़्यादा सैलरी कमाता है वो हैं यहाँ के टैक्सी ड्राइवर्स, वो हाँ कमाते हैं महीने का 4000 यूरो। भैया सामान के प्राइजेस मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ, जो एप्पल हैं 40-50 रुपये किलो है, दूध है 80 रुपये लीटर है, इंडिया जैसे प्राइजेस हैं सारे। मैं पिछले कुछ दिनों से इस ब्रिज पर ज़रूर आ रहा हूँ, बड़ा अच्छा लगता है यार इसमें आगे। ये देखो नीचे से नज़ारा दिखता है क्या कमाल का। देखो ये सारी सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, जो खैर अभी ये हालत है इन सब की। और ये देख रहे हो ये कैसे बर्फ़ के एकदम बड़े बड़े गोले तैरते हुए नज़र आ रहे हैं। और इस तरह भी ऐसे ही है, लेकिन हैरानी की बात, चलो ये तो बड़ी आम बात है बर्फ बर्फ देखी, हैरानी की बात ये है कि यहाँ कुछ पेरेंट्स -9 डिग्री में अपने बच्चों को वॉक पर लेकर आ रहे हैं, बग्गी में। जो बग्गी में छोटे छोटे एक दो दो साल के बच्चे हैं ना, बहुत दिखेंगे यार यहाँ। एक तो वो दिख रहा होगा आपको कपल को बग्गी में लेकर जा रहा है बच्चों को।
ये ना एक रिक्रिएशनल पार्क बनाया गया है यहाँ की लोकल म्यूनिसपैलिटी द्वारा, और इसमें हर तरह की गेम कोर्ट्स लगा रखे हैं। टेबल टेनिस है, बास्केटबॉल कोर्ट है, ये लॉन टेनिस का कोर्ट है। एकदम आपको सेंटर पॉइंट पे लेके जाता हूँ, फिर आपको एक व्यू दिखाता हूँ जबरदस्त। इस ठंडे मौसम में -9 डिग्री में ज़्यादा देर तक बाहर नहीं रह सकते विदाउट ग्लव्स। मतलब मैंने एवरेज देखा है, आप 15 मिनट तक तो बाहर सहलोगे। बाहर इन द सेंस जैसे आप किसी कमरे में बैठे हो, रूम में बैठे हो, हॉस्टल में बैठे हो, किसी मॉल के अंदर हो, वहाँ हीटर लगा हुआ है, उससे जब बाहर आओगे ना 15-16-17 मिनट तक तो कोई बात नहीं, लेकिन 18-20 मिनट के बाद ना भाई आपके हाथ इतने दुखने शुरू हो जाएंगे ना, इतना दर्द होने शुरू हो जाएंगे जैसे किसी ने हथौड़ा मार दिया हो। बिल्कुल वैसी फीलिंग आती है, मेरे अभी हाथों का वही हाल है, दर्द होने की कगार पर है, क्योंकि 20-25 मिनट हो चुके हैं बाहर आए हुए, ग्लव्स मैंने डाले नहीं हुए क्योंकि फिर वो कैमरा हैंडल नहीं होता। तो भाई ये आ गया मॉल, सुपरमार्केट का नाम क्या है, नाम मेरे को एग्जैक्ट मैंने पता नहीं लगा है, लेकिन केले यहाँ सबसे ज़्यादा सस्ते लगे मेरे को, सिर्फ 80 रुपये किलो केले। पूरे यूरोप में 2-2.5 यूरो पर केजी से कहीं नहीं मिलेंगे, और ये सिर्फ 80 रुपये किलो। टमाटर हैं यहाँ, टमाटर हैं 2 यूरो। वही कल ना मैं तेल की बॉटल लेकर गया था, 1 लीटर तेल पड़ेगा 135 रुपये का, बोल के 135 नहीं है 125 रुपये पर लीटर। ये है 1 यूरो की, ये 2.5 लीटर भाई। ये टॉर्टियास का पैक है ना, ये है सिर्फ 2 यूरो का, और वो भी 2 यूरो में 12 पीस का। ब्रेड है यहाँ 30 रुपये की भाई, 30 रुपये की ब्रेड आपको कहीं नहीं मिलेगी, पूरे यूरोप में नहीं मिलेगी। यही ब्रेड आपको 1.5 यूरो से कम नहीं मिलेगी भाई। मैंने मैगी के सूप बड़े ले रहा हूँ, ये मशरूम सूप है, एक सूप पड़ेगा 50 रुपये का पैकेट, और ये बड़े काम आते हैं, ये अलग अलग फ्लेवर है मैगी का, और ये भी हैं, ये कई फ्लेवर पड़े हुए हैं सारे। तो भाई शॉपिंग हो गई है अपनी, मैं क्या क्या लेकर आया हूँ, किडनी बीन्स, राजमा लेकर आया हूँ इनके, बेक्ड इन टोमेटो सॉस, जो मीठे वाले राजमा होते हैं ना, इंडिया की बनते हैं, इंडिया की होते हैं, इंडिया की तरह, लेकिन उसमें मीठा मतलब चीनी पड़ी होती है, मतलब अजीब तरह के, वो जार पड़ा है पूरा 50 रुपये का, ठीक है। फिर ब्रेड लेकर आया हूँ, ब्रेड है 30 रुपये की, वो जो आपको दिखाई थी मैंने, और फिर उसके बाद आलू लेकर आया हूँ, आलू हैं 50 रुपये किलो। मैं आपको ये बता दूं, आलू बहुत सस्ता है यहाँ, बाकी देशों में जो आलू है ना, बाकी 1 यूरो से कम कहीं नहीं पड़ेगा। टमाटर हैं यहाँ 1.25 यूरो पर केजी। जैसे आप लिथुएनिया का नाम लेते हो, लेटविया का नाम लेते हो, आपने कभी आज तक ये कंट्री टूरिस्ट नाम पर सुना है कुछ, इस पर टूरिस्टिक लोकेशन है, यहाँ टूरिस्ट के नाम पर कुछ भी नहीं है। इसीलिए इन देशों में जो खासकर बाल्टिक कंट्रीज हैं, उसमें टूरिस्ट शायद बहुत कम आते हैं, इनकी वीज़ा एप्लीकेशन भी बहुत कम अप्लाई होती है। जो शेंगेन का डेटा है ना, उसमें मैं चेक कर रहा था कि इन कंट्रियों में ज़्यादा लोग अप्लाई भी नहीं करते टूरिस्टिक वीज़ा के लिए, और इनका शायद अप्रूवल रेट भी पूरे शेंगेन में सबसे ज़्यादा है। मतलब टूरिस्ट के नाम पर आप यहाँ नहीं आ सकते एक्सपेक्टेशन के साथ। मैं तो कहता हूँ 2 दिन की आइटनरी नहीं बना सकते आप विल्नस में। जो ये कंट्रीज है ना सारे, ये लिथुएनिया, लेटविया, एस्टोनिया, ये सारे ना सोवियत यूनियन से तोड़ के बनाए हुए कंट्रीज हैं। एक इतिहास हिस्ट्री ये भी कहती है, सोवियत यूनियन का जो जो देश था ना पहले, उनकी आज भी हालत बड़ी ख़राब है। तो जो ईस्टर्न यूरोप का जो ब्लॉक है ना पूरा, वो सारा ही सारा गरीब कंट्रीज़ में माना जाता है, बजाय कि वेस्टर्न की तरफ देख लो या सेंट्रल यूरोप देख लो। भाई एक समझदारी वाली बात बताऊँ, आगे रश लगा हुआ है, लेकिन ये गाड़ी यहीं रुक गई है, हालांकि इसकी ग्रीन लाइट है, चाहती तो जा सकती है, लेकिन इसने कहा कि आगे वैसे इतना रश लगा हुआ है। यार कितना लोगों में छोटी छोटी समझदारी है। मैं जिस हॉस्टल में रुका हूँ ना, उस हॉस्टल में काफ़ी बांग्लादेशी हैं,
कुछ पाकिस्तानी भाई हैं, कुछ इंडियंस हैं, तो वो सब पूछ रहे हैं कि भाई वर्क परमिट पे आए हो क्या या स्टडी करने आए हो क्या। तो नहीं भाई, मैं टूरिस्ट पे आया हूँ। तो यार इतना सुन के हैरान हो जाते हैं कि भाई टूरिस्ट पे क्या वापस चले जाओगे? हाँ भाई।